आज हम जा रहे हैं उमी के मुंडन के लिए। ये है उमी और उमी के पापा। आज हम मुंडन करेंगे उमी का। टकलू, उमी के जितने भी बाल हैं सब साफ हो जाएगा आज। तो अभी हम यहाँ हमारे घर के पास एक टेंपल है, जगन्नाथ टेंपल, HSR एट बैंगलोर। तो हम वही जाएंगे आज। हाँ, अभी हम थोड़ा लेट ही उठे हैं आज। 10:30 बज गए थे, तो अभी बस 12:30 बजे हम सुबह की चाय लिए, और ब्रेकफास्ट भी हम बाहर से ही करेंगे। उमी को कुछ नहीं पता, ये उमी का फर्स्ट टाइम है हेयर को काट करेंगे। एक्चुअली जब ये बॉर्न हुआ था ये तब का ही हेयर नहीं है। हम थोड़ा सा सीजर से घर में ही काट कर दी थी, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था और बाहर भी नहीं जा पा रहे थे। और वैसे ही हमारा हुआ ऐसा कुछ नहीं है कि रिचुअल के जल्दी जल्दी काट करना, ऐसा कुछ नहीं है। हम बच्चे छोटे रहते तो नहीं काटते हैं, 18 महीना हो जाते हैं, थोड़ा सा जो स्कार्फ है सख्त हो जाता है तभी हम हेयर कटिंग करते हैं। तो अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया है, नाउ ही इज़ 1.5 ईयर ओल्ड। अभी ये बेयर द कोई भी जो शार्प नाइफ होता है वो क्या भी बेयर कर पाएगा। फर्स्ट टाइम वी आर विजिटिंग दैट प्लेस, वी डोंट नो द टाइमिंग एंड ऑल द सिस्टम प्रोसेस, वी डोंट नो, वी विल गो एंड फाइंड आउट ऑल। पापा का छुट्टी है, ये कि वीकेंड है, तो दिस इज गुड। जस्ट हम पहुंच गए हैं, ये है जगन्नाथ टेम्पल HSR पानीपुरी। बहुत सुंदर जगह है, एक बड़ा सा हनुमान मूर्ति भी है यहाँ पर। जगन्नाथ टेम्पल को छोड़ के भी छोटा सा दुर्गा माता का टेम्पल है और हनुमान जी का टेम्पल भी है, मस्जिद भी है, बहुत अच्छा प्लेस है। हमें मंदिर पहुंचते हुए 1 बज गए थे, तो पंडित जी ने बोले कि यहाँ पर 12:30 बजे से पहले आना होता है, और उसी टाइम जो भी नए लोग रहते हैं। तो अभी हम बोले कल सुबह आइए, तो हमें थोड़ा अफसोस लगा। फिर हम मंदिर से निकलने के बाद जो भी शॉप रहे थे उनसे कुछ खरीदारी करके पूछे, तो वहाँ का आदमी लोग बताए कि मंदिर वाले नाई का खुद का शॉप है पास में, आप वहाँ ट्राई कर सकते। तो हम गए और हमें मिल गया नाई का शॉप, तो हम वहीं से कट कर लिए लकीली, बस काम हो गया। एक मिनट, हाँ व्हाइट है ना उसका स्किन पूरा, पहली बार कट रहा है, एकदम व्हाइट है, पैदा हुआ तब से पहली बार कट रहा है, तो होगा ही। आप हो गए बाबू के मुंडन। जय जगन्नाथ।
सो दिस वे वी कंप्लीट आवर बेबीज मुंडन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.